हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ लौकी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये लौकी की सब्जी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। ये सब्जी किसी भी रोटी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। लौकी की बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो के करीब लौकी, और इसे मैंने बहुत ही बारीक काटा है। एक बड़ा प्याज लिया है, इसे भी बहुत ही बारीक काटा है मैंने। एक सूखी लाल मिर्च ली है, तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार 1, 2, 3 ले सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हैं। और 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, नमक स्वाद के अनुसार। और 1/4 चम्मच थोड़ा सा ज्यादा मैंने यहाँ पर मेथी के दाने लिए हैं। ये सब्जी मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, तो कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डाला है और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो ये सूखी लाल मिर्च ली है, इसे डाल देंगे और मेथी के दाने डाल देंगे साथ में। हल्का सा जब दाने चटकने लग जाएं तो हम प्याज डालेंगे। मेथी दानों का कलर चेंज हो गया है तो मैं इसमें अब प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमें हल्का सॉफ्ट करना है। प्याज को ज्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है हल्का सा। प्याज हमारे हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल देंगे, मिला लेंगे। और मिलाने के बाद जो लौकी हमने काट के रखी है वो डाल देंगे। बस मिलाने के तुरंत बाद हमें लौकी डाल देनी है। सारी लौकी डाल देंगे। मिला लेंगे इसको भी। ये सब्जी बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी है। लौकी को मैंने मिला लिया है अच्छे से। अब इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इसमें मैं 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, तो 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाला है और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मैं इसका ढक्कन लगा दे रही हूँ और इसमें 3 से 4 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि लौकी हमारी अच्छे से गल जाए। ढक्कन लगा लेते हैं इसका और इसका 3 से 4 सीटी लगाने के बाद जब प्रेशर अपने आप निकल जाए तो हम इसका ढक्कन खोलेंगे। कुकर का प्रेशर निकलने के बाद मैंने ढक्कन खोल दिया है कुकर का, और ये देखिए लौकी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, अच्छे से पक गई है। तो इसमें क्रश किया हुआ 1/2 चम्मच मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, तो क्रश करके डालेंगे ताकि सब्जी में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और मिला लेंगे इसे। मिलाने के साथ साथ इसे हल्का सा इस तरीके से मैश कर देंगे, इस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सब्जी को हल्का सा मैश कर लिया है और ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपकी सब्जी में थोड़ा भी पानी रहता है तो आप गैस को फुल फ्लेम पे करके पानी को सुखा सकते हैं। तो मैं इसे एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया हमारी सब्जी में, इसे निकाल लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी लौकी की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही कम टाइम लगा इसे बनाने में मुझे और बहुत ही टेस्टी है। तो इसे जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।